थोड़ी देर आप गाने के बगैर बैठ जाओगे कुछ भी नहीं होगा। ओके और बासिल का आज स्कूल नहीं था क्योंकि उसका अगले दिन एग्जाम है, पर लाइबा को हम जा रहे हैं स्कूल छोड़ने। बाय बाय, चला जा। अल्हम्दुलिल्लाह जो लाइबा थी वो बहुत खुश थी स्कूल जाते हुए वक्त सुबह के टाइम। मुझे डर था कि हो सकता है वो थोड़ा सा अपसेट हो क्योंकि बासिल का स्कूल नहीं था, उसका एग्ज़ाम है, तो जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन बासिल ने स्कूल जाना होता है, जिस दिन एग्ज़ाम नहीं है तो उसने घर पे रहना होता है। और जो लाइबा थी उसके एग्ज़ाम्स नहीं हैं तो उसने डेली स्कूल जाना है। तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा उसके साथ। आज खुश रही और आराम से अंदर चली गई और रोई भी नहीं। और ये हमारा राउंड पॉट्स भी बहुत काफ़ी रश हो जाता है और हमें तब हम जा सकते हैं इसमें ना, खुल गई है और हम आराम से आ सकते हैं, नहीं तो हमें वहाँ पे और 5-10 मिनट लगते थे आगे से राउंड पॉट से गुजरते हुए। और आज मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए बनाऊँगी पिज़्ज़ा क्योंकि वो ईजिली बन जाएगा और बासिल को है पढ़ा सकूँगी। और यहाँ पे बासिल का है फ्रेंच का पेपर, उसकी हम कर रहे हैं तैयारी। ये मैंने पिज़्ज़े की डो बना दी है, इसको कवर करके रख देती हूँ और जब लाइबा को लेने चलते हैं। बासिल ना बासिल गया ऊपर लेने लाइबा को, जैसे लाइबा आती है फिर उसकी वीडियो करते हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं लाइबा का वेट, यहाँ पे नजर आने वाले। ये बासिल आ गया लाइबा को लेके, कहाँ है लाइबा? लाइबा अस्सलाम वालेकुम, यू फिनिश योर वाटर बॉटल? आज क्या पढ़ा मेरी बेटी ने? ए आ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये सारा फिनिश कर लिया? ये किसने फिनिश किया? जमी था। ये भैया आपके लिए लेके आया, कह रहा था लाइबा खाएगी। लाइबा खाएगी? लाइबा खाएगी क्या? नहीं खाएगी। क्या लेकर आया भैया दिखाओ? यू लाइक इट? थैंक यू कहा था भैया को? कहना था थैंक यू। इतनी रेड हो जाती हो मूसा? नो मूसा वांट्स टू टेक इट नाउ, बासिल टेक इट बिफोर मूसा टेक्स इट। ये हमारी पढ़ाई हो रही है, दिस इज हाउ वी स्टडी है बासिल। लीव इट, लीव इट लाइक दैट। मैं रोना नहीं बेटा, उसके भैया का काम है। और बच्चों को कभी कभी पढ़ाते हुए इतनी मुश्किल हो जाती है।